मीरे तालीम का बयान मौजूद है कि सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है, कैमरे उतारे गए हैं। ये और तो वही बता सकते हैं, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। वही बात है ना कि हुकूमत खुद मिस हैंडल किया है, पुलिस से हुआ है या गुजरा से हुआ है। किस तरह आप स्ट्रेटजी आपकी कल की क्या होगी पीटीए की? हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है हमेशा की तरह कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। कल काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि आपके केलम में है 31 के करीब पकड़े गए हैं वायलेटर्स जिनके खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। तो मकसद आपका बेसिकली यहाँ पे आने का, आपको बुलाने का यही था कि बिला वजह एक चीज़ को प्रोपगेट किया जा रहा है जिसकी कोई बेस नहीं है। अगर अभी भी मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई एविडेंस, कोई चीज़ आपके पास है, हमारे पास लेके आए, इमीडिएटली एक्शन लेके। मंडे से एक सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, प्रोटेस्ट का। पहले दिन हमने बड़ा डिस्टेंस शो किया, जिन स्टूडेंट्स ने वायलेंस किया उनको हमने वॉर्न करके वापस जाने दिया। कल काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि आपके केलम में है कि बाइक्स को आग लगाई गई, चीज़ों को, बिल्डिंग को डैमेज किया गया। उसके ऊपर हमने 24 जो वायलेटर्स थे उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया है। आज भी कोई 31 के करीब पकड़े गए हैं वायलेटर्स जिनके खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। तो मकसद आपका बेसिकली यहाँ पे आने का, आपको बुलाने का यही था कि बिला वजह एक चीज़ को प्रोपगेट किया जा रहा है जिसकी कोई बेस नहीं है। अगर अभी भी मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई एविडेंस, कोई चीज़ आपके पास है, हमारे पास लेके आए, इमीडिएटली एक्शन लेके। हम खुद तो एफर्ट कर ही रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बनी गवर्नमेंट लेवल पे, उसने भी इस आपके को बेसलेस बताया। FIA की एक कमेटी बन गई है जो कि तमाम वो जो लोग इश्तहार ला रहे हैं या गलत व्यूमर्स कर रहे हैं उनकी वो जो भी वीडियोज हैं या ऑडियो पैगाम है या जो भी उनका प्रोपेगेंडा है उसको वो ब्रोक कर रही है और उस पर हम एक्शन लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल जो है वो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं आलिया नीलम, उन्होंने IG पंजाब को बुलाया है इसी वाक्ये से मुतल्लिक, तो क्या कोई जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है या फिर पुलिस जो है वो एक अपनी जो है वो एक तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील देगी, इसके बारे में बताइएगा। हमने ऑलरेडी आपको जिस तरह के बताया है कि पुलिस के लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अलावा एक FIA की कमेटी बन गई है, एक गवर्नमेंट लेवल पे हाई लेवल कमेटी बनी, उसने भी अपनी फाइंडिंग दे दी है। अब हाई कोर्ट क्या हुक्म देती है इसके बारे में तो मैं बता दीजिए कि आप न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में IPD में भी जो लोग आप पकड़ते हैं, जो वायलेटर्स हैं जिनको ना जल्दी के अलग पे पता है कि वो टीवी पे जो कर दिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कि एक बंदा जो है जिसने सारा कुछ वायलेट किया, सारा कुछ फैलाया और दूसरे दिन उसकी जमानत हो जाती है। FIA साइबर क्राइम में ये केस सुना रही है, अभी क्लियर की है कि एंटीमेटम दे देगी कि 7 दिन में इसको क्लियर किया जाए, वरना हम भी सबको फिर आपकी। ऑब्वियसली हमारा जो काम है, हम तो जो एक्शन है, जो लॉफुल एक्शन करेंगे, साइबर टेररिज्म की FIR रजिस्टर की है FIM ने, और हम उनको जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो अरेस्ट होगा और वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगा। DIG साहब ने देखा, मैंने बता रहा हूँ कि 12 को ये चीज़ सामने आई, 13 को संडे था, मंडे को फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया DIG साहब ने, और इसके बाद कल मैडम चीफ मिनिस्टर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको तो पहले दिन भी हमने ब्रेकअप किया हुआ। अच्छा सर, ऐसा है कि ये जो सारी गैर यकीनी कैसेस पैदा हुई है इसके पुलिस और इसके मिनिस्टर किस हद तक इन्वॉल्व? अब मैं सुनता हूँ ये हैंड आउट है जो DIG साहब की तरफ से जारी हुआ जिसमें कहा गया कि वो रूप पोश हो गया था जिसको आपने कहा कि फ़ोन करके बुलाया और हमने बड़ी मेहनत से 8 घंटों में उसको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया, अब इसका मतलब है कि वो भाग गया था? आपके लफ्ज़ हैं, मैंने इसलिए हैंड आउट सामने रखा हुआ है, ठीक है, उसको देख के पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो देखिए वो एक होगी। अब मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी CCTV फुटेज जो है वो चली गई, अब उस इश्तियाल अंगेजी में कल मिनिस्टर वज़ीर आला साहब ने तो कह दिया कि वो कुछ और सियासी जमात भी हो सकती है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हैंड आउट और गैर जिम्मेदाराना बयान हुकूमत की तरफ से भी तो दिया गया। पुलिस की हद तक तो मैं यही कह सकता हूँ कि महफल अल्फाज के चुनाव में कोई फ़र्क पड़ा है बेसिकली, क्योंकि पहले दिन यही पता चला कि वो थर्सडे को लीव लेके अपने गांव चले गया,
तो इस क्योंकि लाहौर में अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब उससे रब्ता किया गया टीम वहाँ बचवाई गई टीम, तो ही वॉज वेरी मच अवेलेबल एट हिज होम, तो वो उसने आके अपना पूरा वो शामिल इंक्वायरी हुआ है, पूरा उसने बयान दिया। सर दूसरे हैंड आउट में भी यही लफ्ज था, जब उसको तस्दीक करके भेजा गया दूसरे हैंड आउट में भी यही था कि उसको ले लिया गया। अच्छा साहब ये कहना चाहते हैं कि वाकया मिस हैंडलिंग हुआ है, हाँ जिस तरह सारे साहिवाल में हो गया, आई जी ऑफिस से हैंड आउट जारी हो गया, वो दहशत गर्द थे, बाद में पुलिस डिफेंसिव हो गई। अगर वो सर नहीं छोड़ दे सर, देखे ना कॉलर की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया, तो आप नहीं कह सकते एक चीज हुई नहीं है या जो है ना कोई वाकया हुआ हो और उस पे टाइमली एक्शन ना हुआ हो। सर वजीर वजीर तालीम का बयान मौजूद है कि सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है, कैमरे उतारे गए हैं, ये और तो वो बता सकते हैं, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। वही बात है ना कि हुकूमत खुद मिस हैंडल किया है, पुलिस से हुआ है या गुजरा से हुआ है, उनके बयान भी मौजूद है जिससे इस मामले को पता चला कि शायद कुछ हुआ है जिसको बताया जा रहा है। तो कल किस तरह आप स्ट्रेटजी आपकी कल क्या होगी पीडीए की? हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है हमेशा की तरह कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा सर आज सुबाई वजीर अता बुहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग सबूत मिले जिससे ये साबित होगा वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो वकील गिरफ्तार हुआ था इसकी पोस्ट मौजूद है जिसमें उसकी कोई ऐसी एविडेंस मिल रही है। अच्छा सर ये कह गया कि ब्राउन रूट से भी ये सोर्स ने कहा है कि वहाँ से भी कुछ सोशल मीडिया ऑपरेट हुए हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड है जो आपकी तहवील में है पुलिस के भीतर, क्या उसको छोड़ दिया गया है? और ये जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं जो बार से ऑपरेट हो रहे हैं इससे मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि शामले इंक्वायरी हुआ था, हमारे पास आया था, उसको इंटरव्यू किया, इंटरोगेट किया और उसके बाद जब उसका कोई ऐसा सामने नहीं आया एविडेंस तो उसको वापस भिजवा दिया। बाकी रह गया सोशल मीडिया, वो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इंटरनली भी एक्सटर्नली भी यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। अच्छा सर मुझे बताया गया कि जिन्होंने सरकारी मलाक को नुकसान पहुँचाया है और निजी कॉलेज की मलाक को नुकसान पहुँचाया है उनके खिलाफ अब तक कितनी एफआईआर हो चुकी है, टोटल कितने मुल्जमान अब तक गिरफ्तार हुए? मैं स्टार्ट में बताया कल 24 हमने गिरफ्तार किए थे, उनकी एफआईआर हो गई है, आज भी उनकी एफआईआर रजिस्टर हो रही है। इस हवाले से बाकी जितनी भी इस किस्म की वीडियोस या स्टेटमेंट्स आ रही है उनको प्रूव किया गया।